हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि सिलाई करते समय कपड़ा क्यों खिंचता है, यानी कि कभी कभी कपड़े में सिलाई करते वक्त झुर्रियां आ जाती है, वो कपड़ा इकट्ठा होने लग जाता है। अगर इस तरह की समस्या आती है तो समझ लीजिए कि आपकी सुई की नोक भोटी हो गई, यानी कि आपकी सुई की नोक की शार्पनेस कम हो गई है। तो ये क्यों आती है? क्योंकि हम जैसे आजकल ज्यादातर फैब्रिक ऐसे डायमंड लगे हुए आते हैं या उसमें पर्ल लगा हुआ होता है, उस पर चल जाने से सुई की नोक बोटी हो जाती है, या आपने डायमंड वाली लेंस लगाई हो जब भी सुई की नोक बोटी हो जाती है। और कभी कभार क्या है कि सुई की नोक मशीन के यहाँ टकराने की वजह से भी बोटी हो जाती है। देखिए, कभी कभी इस प्रेशर फुट पर टकरा जाती, इस वजह से भी बोटी हो जाती है। और ये जो नीचे ये दिख रहा होगा आपको, नीडल प्लेट, नीडल प्लेट पर जो छोटा सा होल दिख रहा है जिसमें नीडल चलती है, उस पर टकराने की वजह से भी इसकी नोक बोटी हो जाती है। तो आप सबसे पहले आप इसकी नीडल चेंज कर लें मशीन की। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये बोटी होने से कपड़े में किस तरह से खिंचाव आता है या कपड़ा इकट्ठा होता है। अभी हमारी मशीन में जो नीडल लगी हुई है वो बोटी है। हमने जैसे कपड़ा सिला तो उसमें डायमंड पर या मोती पर लगने की वजह से ये बोटी हो गई। तो इसमें आपको बताती हूँ कि किस तरह से कपड़ा खींचता है। बोटी होने के कारण इस तरह की स्टिच होती है जो देखने में बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती है, और हो सकता है कॉटन कपड़े पे फिर भी चल जाए, लेकिन जैसे सिल्क है या ऐसे साटन फैब्रिक है उस पर बहुत ज़्यादा इस तरह के सल दिखते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप नीडल चेंज कर लें। अगर आपके पास नीडल नहीं है और अगर आपको स्टिच करना है या आपको सिलाई करनी है तो आप इस नीडल को निकाल करके कोई खुरदरा पत्थर है उस पर भी घिस सकते हो, उससे भी इसकी शार्पनेस अच्छी हो जाती है। या फिर कोई प्लास्टर होर का खुरदरा प्लास्टर आपकी दीवार पे कहीं पे तो उस पे भी घिस सकते हो। और जैसे ये कैंची है हमारी, ये देखिए इस कैंची के यहाँ खुरदरा, इस पे भी हम इसकी इस तरह से नोक को घिस करके इसकी नोक को शार्प कर सकते हैं और हम इसी नीडल से वापिस काम कर सकते हैं। अगर आपके पास नीडल नहीं है तब ये सब आपको करना, अगर आपके पास नीडल है तो आप चेंज कर लें। अब हम इसी कपड़े पे नई नीडल लगाकर स्टिच करेंगे। और ये देखिए नीडल को आपको किस तरह से लगानी वो मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ नीडल में हल्का सा ऐसे कट रहता है, हल्का सा ऐसे कटा हुआ रहता है नोक के थोड़ा सा ऊपर, और एक तरफ ऐसा बिल्कुल ऐसे लाइन रहती है। लाइन वाला ऐसा हमें बाहर रखना है मशीन के बाहर की साइड में, इधर की साइड में रखना, और जो छिला हुआ हल्का सा कटा हुआ ऐसा वो मशीन के अंदर की साइड में रखना है। इस तरह से आपको नीडल लगानी है। अब हमने सुई चेंज कर ली है, अब हम सिलाई लगाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीडल बोटी होने से इस तरह की स्टिच आई है और हमने नीडल चेंज करने से इस तरह की स्टिच आई है। एक कारण और होता है थ्रेड टेंशन टाइट होना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। थ्रेड टेंशन टाइट हो जाने के कारण भी कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। कपड़ा इकट्ठा हो जाता है उसमें इस तरह से तार नहीं, धागे नहीं टूटते, लेकिन वो इकट्ठा होता जाता है, वो इस थ्रेड टेंशन टाइट होने की वजह से आती है। वो भी मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। ये देखिए मैं आप को इसकी थ्रेड टेंशन टाइट करके बताती हूँ। ये ज्यादा टाइट होने की वजह से इस तरह का कपड़ा इकट्ठा करता, और नीचे की थ्रेड टेंशन, बॉबिन की थ्रेड टेंशन लूज होने के कारण से इस तरह की समस्या आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप बॉबिन की थ्रेड टेंशन चेक कर सकते हैं। इस धागे को पकड़कर आप बॉबिन को लटकाएंगे तो धागा अपने आप बाहर नहीं निकलना चाहिए, हम हल्का सा इसको झटकेंगे तो धागा बार आना चाहिए। देखे ऐसा है, मान लीजिए आपकी इसकी बोबिन की थ्रेड टेंशन सही है, नहीं तो टाइट है ना ही लूज है। अब हम इसको थोड़ा लूज कर देते हैं
और आपको बताते हैं कि इसकी थ्रेड टेंशन लूज होती है और ये थ्रेड टेंशन टाइट होती है जब किस तरह का धागा आता है। अब हम इसकी थ्रेड टेंशन लूज कर देते हैं। अक्सर हम सिलाई करते वक्त इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम स्टिच करके चेक कर लेते हैं। अगर नीडल बोटी होती है तब इस तरह की स्टिच आती है और जब थ्रेड टेंशन ऊपर की टाइट और नीचे की लूज हो जाती है, जब कपड़ा इस तरह से इकट्ठा होता है। अगर आप दोनों ही थ्रेड टेंशन इक्वल रखेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। तो हम इक्वल कर लेते हैं और फिर हम आपको स्टिच करके बताते हैं एक बार। सबसे पहले हम इस ऊपर की थ्रेड टेंशन सही करेंगे, जितनी हमें रखनी चाहिए उतनी हम इसकी सही कर लेंगे और बॉबिन की भी थ्रेड टेंशन थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। ये ज्यादा लूज है, ये देखिए सही नहीं होती जब इस तरह से, देखिए वजन भी नहीं उठा रही है, गिर जाती है। ये देखिए इस तरह से होनी चाहिए। अब हम इसको लगा देते हैं और फिर हम स्टिच करके चेक करेंगे। और यहाँ की थ्रेड टेंशन में आप इसी तरह से यहाँ से धागा खींच कर चेक कर सकते हैं, दोनों में खींचने पर बराबर इक्वल आना चाहिए, एकदम ये सही है। अब हम स्टिच करके चेक कर लेते हैं, एकदम धागा बराबर सही आया है। देखिए धागे में, कपड़े में कोई खिंचाव नहीं आया, कोई सिलोटे नहीं आई, थ्रेड टेंशन टाइट होने से देखिए कपड़ा खराब नहीं होता। जैसे हम धागे को हटाएंगे वो कपड़ा सही हो जाएगा, लेकिन नीडल बोटी होने से कपड़ा भी खराब हो जाता है। देखिए अगर आपकी मशीन में इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मशीन को लेके मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक्स।